ये सालाना की यो गाना आना ओ से पर पर बार बार शाने में। कुछ कवि लोग बैठे हैं और श्रोता बड़े मर्म के होते हैं, बोल बार बार क्यों कह दिया, ये लोकल लैंग्वेज ग्रामत्व की भाषा है। सालाना की आना गाना यो सालाना की आना गाना ओ से पर पर भाई शाने में भाई सांगे और सत्संग पांच दिन चले निरंतर शाने में। सालाना की आड़ा गाड़ा ओ से पर पर शाने में सांग और सत्संग पांच दिन चले निरंतर। भाई गुलू मिले ब्रह्मचारी जिनको हो गए थे वरदानी। ओ गुलू मिले ब्रह्मचारी जिनको हो गए थे ब्रह्मचारी। दो इलेन भाई इनका कहना है स्वांग आने वाला है तो कड़ी में दो इलेन भरो तो एक जलेबी कम तार देता हूं, कोई बात नहीं। भाई गुरु मिले ब्रह्मचारी जिनको हो गए थे वरदानी। गुरु मिले ब्रह्मचारी जिनको हो गए थे वरदानी। नहीं जगत से छानी नहीं जगत से छानी और भाव भी होना चाहिए, केवल तुक का नाम कविता नहीं है। वो नहीं जगत से छानी चर्चा होती घर घर श्याणे में। अरे होती घर घर श्याणे में तेरे सांग और सत्संग पांच दिन चले निरंतर श्याणे में। देखिए हमारे उद्घोषक भाई प्रेमपाल जी भी उसी अखाड़े से ही है ना, बाबा सुखीराम जी के अखाड़े से। उनके सारे शिष्य एक एक दिन सत्संग करेंगे। भाई पहले सत्संग फिर सांग, अरे पहले सत्संग फिर सांग सुन हो जागी मन चाही। पहले सत्संग और सांग हो जागी मन चाही। भाई पहले सत्संग और सांग सुन हो जागी मन चाही। ज्ञान और रस दोनों मिल जा, ज्ञान और रस दोनों मिल जा नृत्य और कविताई। दोनों मिल जा
सत्संग में ज्ञान मिलेगा और सांग में रस और भाव दोनों मिलेंगे भाई। गड़े मिलेंगे सब गुरु भाई, गड़े मिलेंगे सब गुरु भाई, भाई गड़े मिलेंगे ये सब गुरु भाई। उरे कोली भर भर सियाने में, अरे कोली भर भर सियाने में, सांग और सत्संग निरंतर चले। ये गौ सेवा का प्रताप था बाबा सुखीराम जी को, जो गौ सेवा से कविता का वरदान मिला। और केवल कविता ही नहीं, जो भी इस धाम पर आता है मनवांछित फल पा जाता है। मैं भी कनिणाम बैठा सोच रहा था कि कोई न कोई आए और मुझे ले जाए, पर बाबा सुखीराम जी कुछ तो करिए। और एक मिनट के बाद एक मोटरसाइकिल वाले आए और शाणा ढाब में छोड़ गए। पर मैंने मांगा तो वो मांगा जो तुच्छ चीज थी, पैदल भी आ सकता था। पर कहता है उस समय जो मन में, वो तो जो देते हैं जो मन में वही डालते हैं वही करते हैं, ऐसे ऐसे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। श्री सुखी राम जी ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्म स्वरूप कहते, श्री सुखी राम जी ओ ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्म स्वरूप कहते, ऋषि मुनि और संत महात्मा तप से जाने जाते, ऋषि मुनि और संत महात्मा तप से जाने जाते, भाई भक्त की खेवा पार लगाते। और जब खेवा पार हो जाती है तो डर किस बात का, यही तो है। या खेवा पार होने पर भी भय रहता है। खेवा पार लगाते बाबा फिर से डर हम, ओ खेवा पार लगाते बाबा फिर कुछ ना है डर शाणे में, भाई कुछ ना है डर शाणे में, सांग और सत्संग पांच दिन चले निरंतर। भाई प्रेमपाल जी कह रहे हैं कि पर घर कर अनुप्रास की दो टक्कर होनी चाहिए थी, पर क्योंकि मैं उस लक्ष्य को लेकर नहीं चला था। यदि मैं उस लक्ष्य को लेकर चलता दो ही टक्कर होती, पर मेरा लक्ष्य केवल घर और पर का ही है। इसलिए भाई लक्ष्य नहीं अनुप्रास डबल का, लक्ष्य नहीं अनुप्रास डबल का, बात सुनो तुम भाई अपने ढंग से कर राखी संजय शर्मा कविताई।
और एक बात और बता दूं, मेरा सर भी सियाने में क्यों झुक गया, क्योंकि मेरे दादा गुरु पंडित मोहर सिंह जी सियाने के अंदर ही मोड़ बांध करके, जैसे सालावास में परमानंद जी मोड़ बांध कर गए थे मेरे गुरुद्वारे में, तो हमारे दादा भी कोई रिश्ता था, इसलिए मेरा सिर दोनों ओर झुका हुआ है कि मेरी गुरु माता भी, दादी गुरु माता भी यहीं की ही थी। गुरु मोहर सिंह की शरणाई, दादा मोहर सिंह की शरणाई, मेरा झुका हुआ सर सियाने में, झुका हुआ सर सियाने में, अरे सांग और सत्संग पांच दिन चले निरंतर, बोलिए सच्चे दरबार की। भाई 50 रुपए तो मेरे गांव के माशे लाला राम जी हैं, यादव